हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश सेकंड लेसन एक्टिविटीज, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 9। ये तीनों आज हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो इससे पहले मैंने क्लास के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हैं, आप उसे मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक, ये फोर्थ स्टैंडर्ड के सेकंड लेसन इंग्लिश का साइंस और इन्वेंशंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5 के। आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं क्वेश्चन आंसर्स और उसके मीनिंग आपको समझा दूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 5, हाउ आर पेंसिल्स मेड, पेंसिल्स कैसे बनते हैं। सो पहला स्टेप है, यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं, तो तीन स्टेप्स से पेंसिल बनता है। फर्स्ट स्टेप, द वुड इज सॉफ्टेंड एंड कट इनटू स्लैट्स कॉल्ड पेंसिल स्टॉक और पेंसिल स्क्वायर्स। तो इससे क्या होता है, जो वुड मतलब लकड़ी होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए वो जो पेंसिल का, जिससे बहुत सही मात्रा से उसको सही मेजरमेंट से कट किया जाता है स्लैट्स में, जिसको पेंसिल स्टॉक बोला जाता है या फिर पेंसिल स्क्वायर्स बोलते हैं। ये फिर नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप, अ वॉक्स एंड द स्टेन आर अप्लाइड एंड द स्लैट्स आर पास्ड अंडर ए कटिंग व्हील। तो एक वॉक्स, तो वो वॉक्स क्या है, वो ग्राफाइट और क्ले जो आता है, ग्राफाइट जो आप पेंसिल लिखते हो जो ब्लैक कलर की है, वो ग्राफाइट उसमें क्ले भी मिला रहता है, वो दोनों मिक्स होकर एक वॉक्स बनती है। और उसको क्या किया जाता है, वो स्लैट्स जो पेंसिल का स्क्वायर या स्लैट्स हम बोलते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है और एक व्हील में उसको कट किया जाता है प्रेस करके, ताकि उसके इंचेस जो है वो सही मात्रा से कट सके। स्टेप 3 में क्या होती है, द ग्रोव्स इन द स्लॉट्स आर फिल्ड विद अ स्पेशल इलास्टिक ग्लू फॉर द लीड, द ग्रोव्स इन द स्लॉट्स आर फिल्ड। तो उसके अंदर जो स्लैट्स, जो पेंसिल के स्टॉक्स रहते हैं, उसके अंदर एक होल रहता है जिसमें उनको फिल करना पड़ता है वॉक्स को, फिर उसको क्या करते हैं, वो फिल्ड विद अ स्पेशल इलास्टिक ग्लू, और एक इलास्टिक ग्लू से उसको अंदर पेस्ट किया जाता है लीड के मात्रा में, मतलब वो बाहर ना निकले। तो ग्लू जैसे ही उसको लीड के मात्रा में उसको अंदर पेस्ट किया जाता है, तो वो लिक्विड उसमें चिपक के स्टॉक होकर रह जाता है। तो जब हम पेंसिल शार्पनर में शार्प करते हैं तो देखिए वो हिलता ही नहीं है, ब्रेक होता है लेकिन वो मूवेबल नहीं होता ड्यू टू द ग्लू। ओके, वो ग्लू की वजह से वो वैसा होता है। तो ये तीनों स्टेप्स हैं पेंसिल बनाने के। अभी हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड, न्यूज़पेपर्स कैसे प्रिंटेड होते हैं। इंडियन पीपल वर्क एट ए न्यूज़पेपर प्रोडक्शंस फैक्ट्री। तो भारत के जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं। सो दे लोड द पेपर, पेपर का एक रोल रहता है, पेपर रोल को वो प्रिंटिंग मशीन में लोड करते हैं। ए पर्सन एट द प्रेस लोड्स द प्लेट्स, कुछ प्लेट्स रहते हैं, ठीक है, जो वो प्लेट्स जो रहता है उसमें एक ग्राफिक टेक्स उसमें प्रिंटेड होकर रहता है वो प्लेट्स में। तो वो प्लेट्स को एक आदमी, एक पर्सन यानी एक आदमी, वो क्या करता है, ए पर्सन एट द प्रेस
loads the plates where the graphics and the text has been printed already into the machine. एक मशीन, वो जो प्रिंटिंग मशीन के अंदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट जो है ऑलरेडी वहाँ पे प्रिंटिंग होके रहती है, तो वो प्लेट्स को वो आदमी क्या करता है, वो मशीन के अंदर डालता है. द मोस्ट कॉमन मेथड्स, फिर वो जब मशीन चालू करता है तो वो ऑटोमेटिकली पेपर में प्रिंटिंग होता है. तो यहाँ पे लास्ट क्या दिया है आपका, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर इज कॉल्ड वेव ऑफसेट. तो बहुत ही कॉमन मेथड जो होता है प्रिंटिंग न्यूज़पेपर का, उसको बोला जाता है वेव ऑफसेट. तो ये एक मेथड है कैसे प्रिंटिंग प्रेस होता है. अभी हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, व्हाई डू वी हैव एंटासिड टैबलेट्स और इनो और सोडा. तो हम ये सब क्यों लेते हैं, जब भी हमें इंडाइजेशन होता है या फिर बदहजमी, उसको बोलते हैं इंडाइजेशन, हम ज़्यादा कुछ जंक फूड खाते हैं या फिर कुछ ओवर फूड डोज हो जाता है खाना, तो हमें वो पचता नहीं है, पेट में स्टोमक में वो इंडाइजेशन करता है, तो उसके वजह से हम एंटासिड लेते हैं. तो यहाँ पे टॉपिक का आंसर मैं समझा रहा हूँ आपको. देखिए, स्टोमक एसिड हेल्प्स द डाइजेस्ट फूड. स्टोमक मतलब तो मालूम है आपको, पेट जो रहता है हमारा, उसमें एक एसिड रहता है जो कि हमारे फूड को पचाता है, डाइजेशन करता है. बट समटाइम्स योर बॉडी मे हैव ट्रबल कम्बैटिंग दिस एसिड इंडाइजेशन. कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे वो जो एसिड जो रहता है स्टोमक का, वो क्या करता है, वो थोड़ा ट्रबल यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि खाना पच ना पच सके, इस तरीके का प्रॉब्लम करता है जिसको हम इंडाइजेशन बोलते हैं. विच कॉजेज द डिस्कम्फर्ट स्पेशली व्हेन द प्रोड्यूस इन एक्सेस. तो उसमें क्या होता है, वो हमें थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल अनसेटिस्फाइड फील करवाता है बॉडी में. जब हमें पेट अगर हमारा हाजमा सही नहीं होता है तो हम बेचैनी बेचैनी फील करते हैं, हमें ठीक नहीं लगता, डिसेंट्री दिखाता है, पेट तकलीफ होती है, पेट में गैस होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. दिस इज़ वेयर द इनो कैन हेल्प. तो यहीं पे जो है इनो काम करता है. इनो तो क्या है, किससे बनता है, इनो इज़ मेड विद द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट एंड द साइट्रिक एसिड. ये सारी चीज़ें जो है वो उस चीज़ों से इनो बनती है या फिर एंटासिड टैबलेट्स बनती है जो कि हमारे पेट में डाइजेशन यानी हमारा गैस को, जो इंडाइजेशन गैस को कम कर देता है और पेट सही रखता है. तो ये था आपका एक्टिविटी 5 के 3 क्वेश्चंस आंसर्स. इस क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3. ये है इसके 3 क्वेश्चंस. लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट. दूसरा है व्हाट डू साइंटिस्ट डू. तीसरा है फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स न्यूमेरियस एंड डिस्कवरी. तो ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है साइंस और इन्वेंशन के. तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन. पहला है लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट. मैंने यहाँ पे पिक्चर के साथ साइंटिस्ट के नाम भी दे दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. पहला है सीवी रमन, दूसरा सेकंड नंबर है हरगोविंद खुराना, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा. तो ये तीनों हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हैं. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू साइंटिस्ट डू. साइंटिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, देखिए पहला तो है आपका मेजर थिंग्स इंक्लूडिंग डिस्टेंसेस वेट्स एंड टेम्परेचर. ये सारे चीज़ों को वो नाप तोल करना और दूरी को इंक्लूडिंग कितना दूर है क्या है वो सारे मेजरमेंट करना, कितना वजन है वेट्स वगैरह सब देखना, और कितना टेम्परेचर में है क्या है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स एक साइंटिस्ट रख सकता है. और दूसरा यूज़ देयर सेंस टू ऑब्जर्व. उनका जो सेंस है, उनका जो सोच दिमाग काम दिमाग करता है, वो सही तरीके से हर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को स्टडी करते हैं.
और लोगों में वो चीज़ों को सामने लाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, ये दो काम साइंटिस्ट का मैंने यहाँ पे रखा है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा लिखने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स न्यूमरस एंड डिस्कवर। तो यहाँ पे न्यूमरस और डिस्कवर दोनों के मीनिंग देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है आंसर्स। तो पहला जो है इनोवेशन, डिज़ाइन, रिजल्ट, इंस्टीट्यूशन या इंडक्शन और फाइंडिंग, ये डिस्कवर का आंसर है। डिस्कवर यानी हम कोई चीज़ को खोज निकालना। आई डिस्कवर बाईसाइकल्स मशीन, ऐसा भी हो सकता है। आई डिस्कवर न्यू पेंसिल कंपनीज, ऐसा। तो आप कोई भी डिस्कवर या खोज करते हो, रिजल्ट निकालते हो, तो वो ये सारे मीनिंग्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत बड़ा, बहुत सेवरल, यानी कई कई प्रकार के वो होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया है, देखिए न्यूमरस का, ग्रेट, बिग, मैनी, लार्ज, सेवरल, डाइवर्स, एविडेंट एंड द वेरियस। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, या फिर दो तीन आपकी मर्जी आप इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे Activity 9। Activity 9 जो है, इसमें fill the gaps दिया है। तो ये जो है, ये आपके past tense में लिखा गया है। हमारे 3 टाइप के टेंस है, वो भी मैंने मेरे वीडियो में अपलोड किया है YouTube चैनल, आप जाइए, सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसके यूजेस मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही इन फ्यूचर में हेल्पफुल होगा डियर स्टूडेंट्स। सो यू मस्ट वॉच माई वीडियो। सो नाउ लेट्स सी द आंसर, इसको क्या लिखना है। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप अगर उसको कॉपी डाउन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। तो फिल इन द गैप्स, तो पहले दिया है रवि डियास अ बॉय, ही लिव्ड डियास हिज मदर। तो क्या आएगा, रवि वॉज अ बॉय, ही लिव्ड विथ हिज मदर। सेकेंड नंबर पे आएगा, ही लिव विथ हिज मदर। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। उन लोगों ने डिसाइडेड किया था, यानी फैसला किया था कि वो जाएंगे दिल्ली को। को यानी टू लगाते हैं। सो रवि वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। मदर टोल्ड रवि टू गेट रेडी। तो मम्मी ने बोला था रवि को कि रेडी हो जाने के लिए, वो बहुत ही लेट आया था। दे रीच्ड द स्टेशन, वो बहुत ही देर से स्टेशन को पहुंचे थे। एंड लर्न्ड दैट द ट्रेन वॉज लेट। तो उन्होंने क्या सीखा था, क्या सोचा था कि लेट नहीं पहुंचना चाहिए, दैट द ट्रेन वॉज लेट, कि ट्रेन जो कि ट्रेन लेट हो गया था, यानी बहुत ही लेट आया था ट्रेन। ट्रेन वॉज लेट, उस दिन ट्रेन लेट में था, ऐसा। ठीक है, दे रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच गए थे। एंड लर्न्ड दैट द ट्रेन वॉज लेट, वो ट्रेन वहाँ पे लेट था। अभी दूसरा टॉपिक देखिए, लिटिल सुनीता, ये भी आपका पास्ट टेंस में जाता है। लिटिल सुनीता हैड 3 फ्रेंड्स, हैड उनके 3 दोस्त थे। ऑल ऑफ देम वेयर, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है पास्ट टेंस का, इसलिए वेयर लगाएंगे। ऑल ऑफ देम वेयर, WERE, वेयर, ऑल ऑफ देम वेयर यंगर टू हर। दे वेंट फॉर प्ले क्रिकेट, वो गए थे क्या खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। ऑन ए ब्राइट सनी डे, सनी मतलब बहुत ही धूप होता है, ब्राइट सनी डे। सडनली सुनीता डियास टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड मतलब थकना, हंग्री मतलब भूख लगना। तो सुनीता को क्या हुआ था, महसूस हुआ था उस वक्त में, तो हम क्या लिखेंगे, सुनीता फेल्ट, FELT, फेल्ट, फील का फेल्ट आता है। सुनीता फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। द गर्ल्स डिसाइडेड टू डियास होम, तो वो गर्ल्स ने क्या डिसाइड किया था कि हम घर वापस चले जाएंगे। सो गर्ल्स डिसाइडेड टू क्या आएगा, वेंट होम। ओके, सो ये था आपका एक्टिविटी 9, 3 और 5।
फाइव के क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका इंग्लिश का जो थर्ड लेसन है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपके सारे क्वेरीज वहाँ पे आप जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।